नहीं किछ ढंग न मेरा, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा। क्या मोहले बोल है गुण बेहून, नाम जपया
बिचारे क्या कर है सब खेल तुम स्वामी हम जंत बिचारे क्या कर सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट बिहाजिया नीच करम हर मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर हर दया मेरे राम 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 नूतन वर्ष 2012 का शुभारंभ होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभ एवं मंगल कामनाएं। आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सब के दर्शन करके कृतार्थ हुआ। परमेश्वर आपके दर्शनों का कितना पुण्य मुझे देता है, ये उसकी महती कृपा है मेरे ऊपर। बहुत दया करते हैं आप। आज के दिवस परमेश्वर से एवं आप सबसे प्रार्थना यही करूंगा, योग्य ना होते हुए भी ऐसा स्नेह सदा मेरे ऊपर बरसाते रहिएगा। कल इस वक्त 2011 था, आज 2012 है। क्या तिथि ही बदली है या कुछ जीवन में भी परिवर्तन आया है? कल 31 थी, आज 2012 की प्रथम 1st of January 2012। हंसी मजाक में कई दफा लोग कल शाम को या रात को कहते हैं अगले साल मिलेंगे। देवी सचन क्या तिथि ही बदली है या कुछ और भी बदला है? संसारियों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए तो तिथि ही बदलती है, न जाने कितनी बदल गई, न जाने और भी कितनी बदल जाएंगी। यदि हमारे लिए, साधकों के लिए भी सिर्फ तिथि बदलती है तो ये निराशा का विषय होगा, अच्छी बात नहीं है।
हमारे जीवन में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, बाहर एवं भीतरी। बाह्य परिवर्तन तो संसारी भी बहुत करता है, घर का फर्नीचर बदल लेता है, बर्तन बदल लेता है, घर की रेनोवेशन हो जाती है, नई कार तो आ जाती है, बड़ी कार तो आ जाती है, पर हम तो बेकार ही रहते हैं। ये तो एक संसारी का हिसाब किताब हुआ, उसमें सिर्फ बाह्य परिवर्तन आता है, हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मार्ग के हम अनुयायी हैं उस पर छोड़ने पर बहुत बल नहीं दिया जाता, मार्ग की विवशता है। प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग छोड़ने का मार्ग नहीं है, अपनाने का मार्ग है, सबको आलिंगन प्रदान करने का, अपनी बाहों में लेने का मार्ग। आदतें छोड़ने की बजाय ये स्वभाव मैंने छोड़ दिया, ये आदत मैंने छोड़ दी, ये खाद्य पदार्थ मैंने छोड़ दिया, हमारा मार्ग इस बात का समर्थन नहीं करता। कठिन भी होगा, हमारे टेम्परमेंट को, हमारे मार्ग को क्या सूट करता है अपनाना। आदत छोड़ने पर बल नहीं देना, आदत बदलने पर, अपनाने पर बल दीजिएगा। आज से हमारा स्वभाव इस प्रकार का होगा, अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अपने आचरण में परिवर्तन, पॉजिटिव। आपके नकारात्मक जितने भी विचार हैं, जितनी भी वह प्रकृति है, ऐसा भी स्वभाव है, अपने आप बदलेगा। आपको जो करना है वह कीजिएगा, छोड़ने पर बल नहीं देना, पकड़ने पर बल देना है। ये हमारा मार्ग है, इससे लाभ होता है। तभी तो लोग कहते हैं ना, संसार का मोह, संसार के प्रति मोह, आसक्तियां छोड़ने की, त्यागने की चिंता मत कीजिएगा, अपने मुख की दिशा बदल डालिएगा। राम से मोह होते ही सारे के सारे मोह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सो सेज रामकृष्ण परमहंस। क्यों मारना चाहते हो इसे, किसने प्रश्न किया उनसे, ठाकुर कैसे मारे मुख को, कैसे मारे काम को? ठाकुर ने इतना ही कहा, क्यों मारना चाहते हो? परमात्मा की दी हुई चीज है, परमात्मा की बनाई हुई चीज है, जो चीज सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, वे व्यक्तिगत नहीं होती, ये सबकी है। ये मोह की प्रॉब्लम केवल भारत की नहीं है, केवल भारतीयों की नहीं है, सब जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सब संसार में हुआ करती है वह किसी व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है, वह परमात्मा की उत्पत्ति होती है। हमें सिर्फ उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। दुरुपयोग तो किसी का भी आप करेंगे, अमृत का भी करेंगे, तो वह भी आपको विष बन के लगेगा। क्यों मारना चाहते हो मोह को? इसकी दिशा बदलो, इसको परमात्मा के साथ लगा दो, संसार के मोह अपने आप मिट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उन्मूल हो जाएंगे। न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ कर लिया, पाठ करने पर बहुत हर एक का होता है कि सुंदरकांड का पाठ मैं ही करूं, भक्तों मेरी बातों का बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, मुझे ये सब कुछ कोई बताता नहीं है। बस सोचिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
संसार का स्वभाव देखते हुए, साधक का स्वभाव देखते हुए ये शब्द जो कहने जरूरी महसूस होते हैं वही आपकी सेवा में अर्ज किए जाते हैं। न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ किया होगा, ऐसे साधक हैं साधक जी ने यहां पर, यदि पूरा सुंदरकांड नहीं तो काफी से ज्यादा सुंदरकांड उन्हें जबानी याद है। ऐसी महिलाएं थीं, अभी भी हैं पुरानी महिलाएं, उन्हें सुंदरकांड का पाठ पूरा जबानी याद। अभी भी कई साधक ऐसे हैं जिनको काफी से ज्यादा सुंदरकांड कंठस्थ है। बहुत सुंदर बात, मैं प्रशंसा करता हूं। बड़ा कठिन काम उन्होंने किया हुआ है, पर मेरा तो तुच्छ बुद्धि व्यक्ति का एक ही प्रश्न है, क्या सुंदरकांड के सौंदर्य को जीवन में उतारा कि नहीं? पुराना से ही कम से कम जितना कंठस्थ है उतना हिस्सा भी यदि जीवन में उतर जाए तो जीवन का रंग रूप ही बदल जाए। क्या ऐसा हुआ? बहुत ज्यादा सौंदर्य की बात नहीं करते, एक सौंदर्य की बात करते हैं। भैया हनुमान जी महाराज के अंदर भी वही सौंदर्य, शरीर को छोड़िएगा, एक सौंदर्य मां सीता के अंदर भी वही सौंदर्य, दोनों के अंदर ये सौंदर्य कॉमन है। परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, कितनी भी प्रतिकूल ना हो, दोनों ने राम स्मरण नहीं छोड़ा। सभोदास बैठे सागर के किनारे, हनुमान जी भी मत सोचिए उन्हें मां सीता की खोज की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता उनका स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव चिंतन है, वे कहीं दूर बैठे चिंतन कर रहे हैं। फिर साधक तो हमें हनुमान जी जैसा ही बनना है, वही हमारे आदर्श है। ये तो मामूली सी प्रतिकूलता है, मातेश्वरी सीता के सामने तो प्रतिकूलताओं की लाइन लगी हुई है। उन्होंने अपना सिमरन एक क्षण भी, उसकी अखंडता उन्होंने भंग नहीं होने दी। गीता जी के इसी उपदेश की चर्चा चल रही है, अमर संदेश गीताचारी भगवान श्री कृष्ण। आपने जीवन रथ की बागडोर परमात्मा को सौंपी, प्रथम बात थी। दूसरी बात, मेरा स्मरण करता हुआ पार्थ जो देह को त्याग देता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, निस्संदेह स्टैंप लगाते हैं भगवान श्री। अतएव उसको लाभ करने के लिए ऐसी अवस्था कि अंत समय मेरा स्मरण होता रहे, तुझे जिंदगी भर स्मरण करने की जरूरत है। मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, ये हमारे लिए मेरा स्मरण करता हुआ अपने जीवन के कर्तव्य निभाइए। मैंने दिए हैं कर्तव्य, इन सब कर्तव्यों को निभाना आपका कर्तव्य है, निभाइएगा, पर मेरा स्मरण करते हुए। इसी बात की चर्चा चल रही थी, सिमरन के स्मरण के क्या लाभ है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी परमेश्वर के पतित पावन नाम को प्रेम पूर्वक जपना, अपने अंग संग मान के जपना, परमात्मा को अपना मान के जपना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के जपना सिमरन। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, बहुत सिंपल है, जाप ही करना है, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, परमात्मा को अपना मान के, अपने अंग संग मान के जाप सिमरन कहता है। इन बातों से क्या होगा, अंग संग मानने से क्या होगा, परमात्मा को अपना मानने से क्या होगा,
अभी आप जी ने सुना है रामकृष्ण को, वे कहते हैं यदि परमात्मा अपना हो जाएगा तो जिनको आप अपने मानते हो वे बेगाने हो जाएंगे। सो सिंपल। यदि अपने अभी भी परेशान कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि जो अपना है उसे आपने अभी तक अपना नहीं माना, उसे अपना मानने की देरी है। जिन्हें संसार अपने समझता है सबके सब बेगाने हो जाते हैं। सो प्रैक्टिकल, कितनी व्यवहारिक बातें हैं। परमेश्वर को अंग संग मानेंगे, परमेश्वर को अपना मानेंगे तो इसके साथ जुड़ी हुई अनेक सारी बातें जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। संतवानी है जो कोई अपने मन को भगवत विचार पर, भगवत विचार ही सिमरन, हर वक्त परमात्मा की याद में खोए रहना, भगवत विचारों में खोए रहना ही सिमरन है। जो कोई एक पल के लिए भगवत विचार में खो जाता है, अपने मन को स्थिर कर लेता है, संतवानी है। सुनिए क्या लाभ होता है उसे। उस व्यक्ति ने संसार के सारे तीर्थों के स्नान का जो फल मिलता है वह पा लिया। एक पल के लिए जो अपने मन को भगवत विचारों पर स्थिर करता है उसे क्या मिलता है। जितने यज्ञ वर्णित हैं उन सारे के सारे यज्ञों का फल उसने प्राप्त कर लिया। अपने पितरों को भवसागर से पार उतार दिया। सारी पृथ्वी के दान से जो फल मिलता है वह फल उसने प्राप्त कर लिया। संतवाणी कितनी गंभीर है, बस सोचिएगा। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि राम सिमरन सबसे ऊंचा, ऐसे नहीं लिखा। इन सब चीजों को अनुभव करके तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है सिमरन का क्या स्थान है। सारी पृथ्वी के दान करने से जो पुण्य किसी को प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त हो जाता है जो एक पल के लिए भी परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने मन को श्री राम पर स्थिर कर देता है। पुण्यवान हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। भक्तजनों, ऐसा लगता है जितने बूढ़े होते जाते हैं, जितने बड़े होते जाते हैं, उतना संसार भूलने के बजाय ज्यादा याद आने लग जाता है। मानो जिंदगी में तैयारी नहीं की। अभी भी हम संसार की बातों में ही खोए रहते हैं। हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि संसार की चर्चा चले, घुमा फिरा के हम संसार की चर्चा ही करते हैं, भगवान की चर्चा नहीं। संतवाणी कहती है जो ऐसा कर लेता है, जिसका मन एक पल के लिए स्थिर हो जाता है, वह पूज्य हो जाता है, परमात्मा उसका जीवन बदल देता है। तो आज साधक जनों, कुछ एक शब्द तो जरूर लेनी चाहिए जो साल भर निभाने की कोशिश करनी चाहिए। आप यहां पधारते हैं, आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए इस स्थान परमात्मा की भक्ति के लिए है। लोग ऐसा फरमाते हैं, चलो श्री राम शरणम चलते हैं, कुछ समय के लिए शांति मिलती है। शांति कब मिलेगी? जब परमेश्वर की याद निरंतर सतत बनी रहेगी और संसार का विस्मरण उतना ही सतत बना रहेगा तो शांति मिलेगी। भीतर परिवर्तन से शांति मिलती है, क्योंकि शांति भीतर है। जितना अपने आप को भीतर से जोड़ोगे उतनी शांति आपको लाभ होगी। स्थान ऐसा,
चलो वहां पर थोड़े समय के लिए, वहां जाके मन स्थिर हो जाता है, अर्थात स्थिर अर्थात परमात्मा पर टिक जाता है, परमात्मा की याद आती है और संसार भूल जाता है। मैं ऐसों को बदकिस्मत ही मानूंगा जो ऐसा समझते हैं कि ये स्थान समस्याएं सुनाने के लिए है। अच्छी बात नहीं है, अपनी ये आदत बदलिएगा, आज ये व्रत लीजिएगा, इस स्थान को हमने परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा के सतत स्मरण के लिए और संसार के सतत विस्मरण के लिए प्रयोग करना है। आप ऐसे बैठे हुए हो, घर में कोई आपको 2 घंटे ऐसे बैठा के दिखाए, नहीं बैठ सकते। यहां बैठे हुए हैं आप, कैसे होता है ये? स्थान की महिमा है, मेरे गुरुजनों का प्रताप है, छोटी बातें हैं ये। जिसका मन परमात्मा पर स्थिर हो जाता है साधक्षण, वह पूज्य हो जाता है, परमात्मा उसको वंदनीय बना देते हैं। समय होने वाला है, एक छोटी सी बात शुरू करके तो समाप्त करने की इजाजत मांगूंगा। 15 जनवरी को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। बुलाकी दास बड़ा गरीब है, बुलाकी दास बुलाकी राम बहुत गरीब है, निर्धन, गुजारे लायक कुछ भी नहीं है, एक किसी जिम्मेदार के पास चरवाहा बन गया है। सोचो कितनी गरीबी होगी, पशुओं को चराने वाला, जिम्मेदार के पशु बाहर ले जाता है, जंगल में ले जाता है, चराता है, वहां पर शाम को उन्हें वापस ले आता है। लोगों ने शिकायत की, ये पशुओं का ध्यान नहीं रखता, न जाने कहां खोया रहता है, पशु कहां चरते हैं, ये कहां बैठा हुआ है, मस्त बैठा रहता है, आंखें बंद रखता है, इसकी आंखें खुलती नहीं है, शिकायत। इस शिकायत कौन करेगा? संसार, जिसको आप अपना समझते हो। इस जैसा बेगाना कौन है जो इस बात की शिकायत करता है? उसके ऊपर हर वक्त अजीब सी बस्ती रहती है, जिम्मेदार साहब ये एक ना एक दिन आपका नुकसान करेगा, भारी नुकसान करेगा, आप परख के देख लीजिएगा। खेत जोतने के लिए कहा बैल, बुलाकी राम साथ, बैल कहाँ है, खेत कहाँ है, वह कहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, राम राम जपने में मस्त बैठा हुआ है, मेरा राम है, दिख रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूं उनकी शक्ति के बिना, उनकी इच्छा के बिना, उनकी कृपा के बिना। जिम्मेदार साहब को शिकायत मिली, आए देखा बिल्कुल ठीक, अतैव जोर से अपना पांव मारा, बोला कि राम आगे झुक गया है, पीछे से पांव मारा, आगे झुका, वह परमात्मा नमस्कार हो गया, प्रणाम हो गया तेरे चरणों में। जिम्मेदार साहब, मालिक साहब, आपने बहुत समय पर मुझे टांग मारी, मैं एक गरीब आदमी, भला मैं इतने सारे संतों को भोजन कैसे खिला सकता था, पर मैंने उनको भोजन परोस दिया था, बस दही परोस रहा था कि आपने आके टांग मार दी, अच्छा किया, मेरे पास इतने लोगों के लिए दही नहीं था। बुलाकी राम तो बन गए बल्ले शाह और जिम्मेदार बन गया उनका शिष्य और उनका नौकर। भगवान ने स्वयं जिम्मेदार को शिष्य भेजकर तो बुल्ले शाह को गुरु बना दिया, पूज्य बना दिया, वंदनीय बना दिया। किसको? जो एक पल के लिए भी भगवत विचार पर अपने मन को स्थिर कर सकता है,
जो हर वक्त सिमरन में खोया रहता है, परमात्मा का स्मरण कितना महान है। देव्य सचनो, जहां पहला प्रतलोक स्थान को कैसा मानना है, ये सीखो, ये प्रतलोक पक्का करो। एक बार नहीं, आप सोचते हो आज आप व्रत लोगे तो कल को ये शुरू हो जाएगा सिलसिला, नहीं, जिंदगी व्यतीत हो जाती है तब जाके अखंड सिमरन किसी का होता है। परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा वरदान दे तो ऐसी स्थिति परमावस्था मिला करती है। तो शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दिव्य सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में आप सबको यहाँ से भी प्रणाम। और अभी मैं आप सबके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा, आप सबको चरण वंदना करने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए पुनः कहूँगा, आप सब दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपको मालूम है ये हमारे आशीर्वादों के बिना नहीं इसका काम चल सकता, इसीलिए इतनी भारी संख्या में यहाँ आप पधारते हो दर्शन देने के लिए और वो जैसे को आशीर्वाद भी देने के लिए। हार्दिक धन्यवादी हूँ आपका, पुनः असंख्य बार बधाई स्वीकार कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, जिन्होंने कार्ड भेजे हैं मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप तो स्वयं ही मुझे बधाई देने के लिए, दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मेरा रोम रोम दिव्य सचनों आप।